अपने दिल की ख्याल पेश करना चाहूंगा हेरिटेज के बारे में। सही बताओ तो मैं काफी डिस्टर्ब्ड हूं, मैं खुश नहीं हूं। इस वास्ते क्योंकि जिस तरीके से बहरान आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीली आ रही है, वो इतनी जल्दी है कि इस जल्दबाजी में हमने बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया है या हमारी निगाह हट गई है उधर से। मैंने सुबह कल शाम को या सुबह मुझे याद नहीं कब एक पोस्ट डाली थी, उसमें ये लिखा था द यंग मे बी फास्ट पेस्ड बट द एल्डरली नो द रोड। जवान जल्दबाजी तो कर सकते हैं लेकिन रास्ता जो मालूम होता है वो थोड़े से ज़ईफ लोगों को मालूम होता है, बूढ़े लोगों को पता होता है। तो जल्दबाजी में रास्ता ना मालूम हो तो फिर वो जल्दबाजी का रास्ता कहीं भटक जाता है। उस कंडीशन में आज हम हैं, हमें हर चीज की एक टाइम ओरिएंटेड, टाइम बेस्ड मैनेजमेंट का हमको एक सिस्टम बन चुका है कि इतनी देर में ये खत्म करना है, इतनी देर में ये खत्म करना है। और उसमें बहुत दफा हेरिटेज, विरासत जो है हमारी, ये छूट जाती है। लद्दाख के बारे में क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे वक्त ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास सीधा सीधा कुछ बातें हैं जिसके बारे में मैं सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ नहीं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल के साथ साथ शाना बशाना, शोल्डर टू शोल्डर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी मैं एड्रेस कर रहा हूं, मैं उनसे मुखातिब हूं। मुझे मालूम नहीं उन एंथ्रोपोलॉजिकल का यहाँ ऑफिस है नहीं है, तो हमारे पास तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तो यहाँ अच्छा खासा दफ्तर होना चाहिए था। तो मैं खास तौर पर इन दोनों को साथ मिलकर चलना, अगर नहीं होगा तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे अकेला काम नहीं कर सकता, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इज क्लोजली कनेक्टेड टू एंथ्रोपोलॉजी। आफ्टर ऑल यू व्हाट यू हैव द आर्टिफैक्ट्स आर कनेक्टेड विद द रेशियल एंड द कल्चरल फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो ये बड़ी जरूरी चीज है। तो मैं आपके सामने दो पांच तो क्या ज्यादा है, मैं जल्दबाजी में कर दूंगा क्योंकि मेरे फिर बाद में तो भाषण में घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना मांगता हूं जिसको आप याद रखिए, जो लद्दाख में लोगों को मालूम ही नहीं है। मालूम है तो कदर नहीं करते, और अगर कदर करते हैं तो बहुत ढीलम ढाली कदर करते हैं नाम के वास्ते। मैं शुरू करता हूं टंसे से। टंसे में आपको मालूम है पुराना जो ट्रेड रूट था मंगोलिया का, सेंट्रल एशियन जो असली रूट था जहां से मंगोल आते थे और तिब्बत को हमला करते थे या कारोबार करते थे, आज से 1200 साल पहले, 1000 साल पहले, 800-900 साल पहले वो ट्रेड रूट की मार्किंग जो टंगचे में है उसकी कोई कदर नहीं है। आज उन्होंने सोगडियन लैंग्वेज में, सोगडियन भाषा में वहां रॉक कार्विंग्स है, और वो एक मामूली एक कोने में रखी हुई है, उसके ऊपर खोदे जाते हैं, इधर भी खोद दिया उधर भी खोद दिया, और वो चट्टान को तबाह करके रख दिया। आज टंगचे की बात है, अब दुनिया जाती है यहां से पंगोंग, लेकिन टंगचे का वो जो साइट है उसको दरकिनार करके निकल जाते हैं क्योंकि शाम को वापस ले आना है।
किसी के पास वक्त नहीं है, अंगों का पानी से ज्यादा वो ट्रेड रूट जो ढंग से था उसको तो कदर है नहीं। कभी आपको बता के रखा, मैं उस जगह को मैं हर दफा जाता हूं, तबाह किया होता और थोड़ा शुरू किया वहां से। डेढ़ महीना पहले मैं ससपोल में था। ससपोल केव्स जो हैं, वहां की जो घर में जो पेंटिंग्स हैं, दरवाजा 2.5 फुट का दरवाजा लकड़ी का धागे से बांधा हुआ, और वो लाखों करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स हैं उधर, कोई केयर नहीं। उधर फॉरेस्ट तक नहीं है, मिट्टी का फॉरेस्ट है उसमें, वो इतना धूल निकलती है। जिस ठेकेदार ने रोड बनाई है वो रोड में भी पैसा खा गया, वो तारकोली बाहर निकला जाता है उधर, मैं चलते ही निकल गया वो। और आखिरी जो हिस्सा है केव्स का, उसमें चलने के लिए मुसीबत। मेरी मिसेस को, वाइफ को वहां मुझे खींच के ले जाना पड़ा हाथ पकड़ पकड़ के, लेकिन मैं शौकीन था केव को देखने के लिए। तो मैं ये हैरान हो गया, और वहां लिखा है, अच्छा सा बोर्ड लिखा है, 50 साल पहले शायद इंटैक्ट। अब इंटैक्ट का नाम उस खस्ता हालत की केव्स के साथ जुड़ा हुआ है, कितनी बदनामी है ये बताता जाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। आप देख लीजिए, अभी जाके देख लीजिए अगर आपको ससपोल केव्स। और वहां कहां है, अलची के बगल में, लिकिर के बगल में, गारों को छोड़ दिया। ये नहीं कि मालूम नहीं है, क्योंकि रोड नहीं बनती, ठेकेदार ने पैसा लिया है उसका, लेकिन अधूरा छोड़ दिया। उसके बाद इस घर को लामायुरु से ऊपर पर, लामायुरु को तो छोड़ दीजिए, उसकी बात अलग है। लामायुरु से जब जोरावर की फौज आई, उसने जो तबाही शुरू की थी उसको रोकने वाला एक आदमी था, और ये लड़ा खर का जो खास बचावे का जो काम किया था, इसका जो जिसको बोलते हैं मरको लखन, इसको रेस्टोर करने वाला कोई नाम निशान नहीं उसका। लोगों को, बच्चों को नाम नहीं पता होगा उसका। हम लेते हैं सिंगे नामगेल का नाम, लेकिन सिंगे नामगेल की विरासत को बचाने वाला को आपको नाम मालूम है किसी को? बताइए कोई, यहां मजलिस में कोई बता दीजिए नाम, मालूम नहीं होगा। कुशोक सुल्टी मीमा, अब याद आया आपको, डॉक्टर साहब आपने वो किताब वो की है, एडिट की है। उससे पहले सीआईपीएस में एक रिसर्च लिखी है, मैं सब पढ़ता हूं। सुल्टी मीमा को तो नाम निशान नहीं, सिंगे नामगेल का बोल रहा है उधर। मैं सिंगे नामगेल को बुरा नहीं कहता, लेकिन जिसने इस महल को बचा दिया, और वो पूछो सुल्टी मीमा नेगोशिएटर था। क्यों नेगोशिएटर था, व्हाई वाज ही अ नेगोशिएटर, रीजन क्या था? क्योंकि ही स्टार्टेड एज अ पश्मीना ट्रेडर, वो लेना था रुदोक में, बिजनेस करते थे, आना जाना होता था। ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट सेंट्रल एशियन ट्रेडर एवर रिकॉर्डेड। बच्चों को मजा आएगा कहानी सुनने में। एक दफा वहां से लेना लाया, लेना पता नहीं, नेपाली और बिहारी बच्चों इसको पश्मीना को बोलते, पश्मीना जितना पैसा दिया यहां ज्यादा निकला तोले में, बट्टी के हिसाब से तोला जाता था। उसने वो जो एक्स्ट्रा आया था पैक किया, अगले साल उसको वापस देने किया, भाई ये गलती से आ गया, इसके पैसे तुमने, मैंने तुमको नहीं दिए वापस। उसने वहां पैसा लेकर नहीं गया, वो लेना ही वापस लेके चला गया यहां से रुदोक। मैं क्या क्या मिसाल बताऊं आपको, किसी को नहीं मालूम है ये कुशोक के बारे में, लड़ाकियों को नहीं मालूम है। और उसको
तीन जबान में ट्राइलिंगुअल, अंग्रेजी, हिंदी, बुद्धिक में किताब छापने वाले डॉक्टर थुप्सन नूरपुर साहब है। और मैं ताली बजाना मांगता हूँ जिनाब, आपने ये अच्छा काम किया है। और आपको मालूम है उसकी वो किसने ट्रांसलेशन किया? डॉक्टर नवांग सिरिंग के बेटे ने, जो ही वाज अ हैंडीकैप्ड, ही कांट मूव, ही कैन ओनली टाइप ऑन द लैपटॉप, टांगे वांगे कुछ नहीं चलती, 24 घंटे अपने कमरे में रहता है, रिसर्च कर डाली ऐसी चीज पर जो हम लोगों को मालूम है, हमको शर्म होनी चाहिए इस चीज पर। मेरी जबान को माफ कीजिए, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं जब कल्चर आता है। अब इसके बाद ले लीजिए ग्रेट गेम, उसमें उर्दू में तर्जमा नहीं है, ये अंग्रेजी में है। ये अंग्रेज जो जासूस होते थे वो ये देखते कि रशिया हमको कहीं हमला ना कर दे, तो रशिया पर बड़ी नजर रखते थे। चाइना से उनको डर नहीं था इतना, लेकिन रशिया, जार रशिया था, बड़ा ताकतवर, तो वो जासूस भेजते रहते थे। एक जासूस ने वहां यारगंदी औरत से शादी कर ली, शादी करके रह गया। जासूस था, बिजनेस दिखाता था कि मैं ट्रेडर हूं, झगड़ा हो गया, उसने गोली मार दी एक यारगंदी ने उसको, उसकी बॉडी लाकर यहां गाड़ी भी हेले में। एंड्रू डेलग्लिश स्कॉटलैंड का आदमी था, बहुत मशहूर नाम, उसके साथ बहुत कहानियां जुड़ी हुई है। उसके साथ साथ दूसरी खबर, एक इतना मशहूर आदमी था जिसने लद्दाख का हुलिया देख लिया था, जियोलॉजिकल एंड पेलियोन्ट्रोलॉजिकल, पुराने जमाने के जो जानवर होते हैं ना पत्थरों में प्रिजर्व्ड, पेलियोन्ट्रोलॉजी, उसका रिसर्चर था, बर्ड्स का था, आदि चिड़ियों के नाम उसी के नाम से है। उनकी खबरें यहां है, उसको तबाह करके रखी अभी, क्या बताऊं जनाब। उसके बाद जंगला, जंस्कारियों को पता ही नहीं जंगला में क्या था, बच्चों किसी को मालूम है जंगला संस्कार क्या हुआ था उधर? अच्छा नहीं मालूम है। जंगला में सबसे पहली लद्दाख तिब्बतन डिक्शनरी लिखी गई थी, सबसे पहली। बाद में अंग्रेजों ने इतना तंग किया उसको, वो जाके किन्नौर में जाके बैठ गया वहां। यहां से पूर्व किन्नौर मालूम है ना, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट है, सारा काम वहां किया, वहां की लाइब्रेरी बन गई। उसको पैसा दिया था मूरक्राफ्ट ने जंगला की, उसको मैंने कितना दफा लोगों बोला जंगस्कर के लोगों को कम से कम यहां एक अच्छा सा एक आर्कियोलॉजिकल वो बना दो, वो कमरा रखो, सारी विंटर में, सारी सर्दी में -35 डिग्री सेंटीग्रेड में घर वो बुखारी नहीं जलाता था, चौबंडी कोरोस उसको संभाला नहीं रहा। कारगिल वालों लंकर से में, लंकर से किसको मालूम है? किसी को मालूम है? हकीमा को मालूम होगा और किसी को मालूम नहीं होगा। लंकर से सांकू से पहले आता है, सबसे बड़ी जंग, पहली जंग लद्दाखियों की वहीं बलती, लद्दाखी इधर के उधर के जितनी फौज इकट्ठे हो सकी थी, वहां के स्कार्पो के जो चिकतन का इधर का सब मारे गए थे उधर, जो भाग सके भाग गए शरबोल की तरफ। लंकर से में कोई मॉन्यूमेंट नहीं है कि यहां हमने कितनी जाने दी है, कितनी हजार लद्दाखी मरे हैं उधर। चलते हैं, मैं बहुत दफा गाड़ी रोक के लोगों को बताता हूं कि यहां हमारा खून है, यहां से गए थे लड़ने के लिए उधर। किसने वहां कम से कम एक तख्ती लगाते कि यहां हमारी जंग अजीम वहां हुई थी, असली जो लद्दाख में असली जंग हुई है वो उधर ही हुई है लंकर से में। अभी एक बजगो की मैडम बैठी थी चुस्कित, मैंने कहा तुमको भजगो की मालूम है? कुछ मालूम है? भजगो में एक बर्तन है जिस पर जोरावर के सिपाही जो हो
वो मजर लोडेड गन होता है, उसमें बारूद कूटा जाता है, मजर लोडेड गन बोलते हैं उसको, उसकी प्रैक्टिस के लिए उस बर्तन पर थड़ंग थड़ंग का मारते थे वो गन शॉट। किसी ने देखा है वो बर्तन? बसगो वालों ने देखा है? चुस्की तुमने देखा है? अब जब उस मरे को रिस्टोर किया, स्तूपा को, उन्होंने उसको हटा दिया वहां से, अब नया खूबसूरत जैसा बना दिया। अरे छोड़ते तो बड़ा खुशनुमा, लेकिन विरासत का एक किसी को ख्याल नहीं आया कि ये जो बर्तन है, ये जो कॉपर वेसल है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल होता है सिर्फ। ये बाद में जब ढूंढा मैंने तो मुझे कहां मिला पता है? वो म्यूजियम में मिला उधर। अब म्यूजियम में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इसमें छेद क्यों है? इसमें बसगो की कहानी आपको मैं बताते बताते तो बसगो वालों को शर्म आ जाएगी, मैं नहीं बताने वाला है जी, थोड़ा बता दीजिए। नहीं नहीं, मेरे पास बहुत है, 20 है मेरे पास। आप चंगथांग, चंगथांग में आर्कियोलॉजिकल सर्वे अगर आप करेंगे, चंगथांग में वो मिलेगा खजाना जो किसी को मालूम नहीं। क्यों मिलेगा चंगथांग में? उसका एक ही रीजन है और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेसिकेशन। डेसिकेशन होता है जब जमीन, ये आबोहवा सूखती जाती है, बर्फ कम हो जाए, पानी कम हो जाए, सिर्फ वही पानी नहीं कम, जमीन का पानी भी कम हो जाता है। दो होते हैं लफ्ज, डेसिकेशन होता है जब सूखा आता है, और दूसरा होता है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन होता है जिसको रेगिस्तान की हालत बनाई जाती है। डेसिकेशन जो होता है, सूखा सूखा पड़ना, वो क्लाइमेट चेंज से होता है। डेजर्टिफिकेशन कभी होता है क्योंकि घास चराई ज्यादा हो जाए, तो घास खत्म हो गई, तो घास जब खत्म हो गई तो मर गए, तो वहां चले गए। तो इंसान जब ओवर पॉपुलेशन हो जाती है तो वहां के इलाके को छोड़ना पड़ता है, दूसरे इलाके में जाना पड़ता है। जब इकोलॉजिकल बैलेंस टूट जाता है तो बहुत दफा जगह बनी बनाई जगह डेजर्ट बन जाती है। अब चंगथांग को